ब्रॉक लेसनर ने इस हफ्ते फिर से ये साबित कर दिया कि आखिर उसे बीस्ट क्यों कहा जाता है। जिस तरीके से कोडी रोड्स को उसके घर पर मारा। हेलो गाइस, रसलिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर डालें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स को वो सरप्राइज मिला जो कोडी रोड्स ने अपेक्षा नहीं की होगी कि उनके होम टाउन में कोडी रोड्स को ऐसा सरप्राइज मिल सकता है। फैंस की तरफ से कोडी रोड्स को बहुत सारा चीयर्स मिला। कोडी रोड्स का होम टाउन था और कोडी रोड्स ने शो की शुरुआत करते हुए ब्रॉक लेसनर को भाई चुनौती दे डाली। और ब्रॉक लेसनर ने सरप्राइज एंट्री करते हुए कोडी रोड्स को जिस तरीके से अटैक किया, कोडी रोड्स को समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो गया। उनके होम क्राउड के पास कोडी रोड्स की मतलब इस तरीके से बुरी पिटाई की, फैंस को भी नहीं लगा था कि ब्रॉक लेसनर इस तरीके से आकर कोडी रोड्स पर इतना बुरा पीटेंगे, वो भी उसके मम्मी के सामने। कोडी रोड्स को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया ब्रॉक लेसनर के द्वारा और समर स्लैम के लिए मैच को स्वीकार करके, एक तरीके से कोडी रोड्स को एक खुली चुनौती है कि जब ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को उनके घर पर पीट सकते हैं तो समर स्लैम में कोडी रोड्स का वो क्या हाल करने वाले हैं। अब खैर, अब कोडी रोड्स इस चीज का जवाब किस तरीके से देंगे अब आने वाले एपिसोड्स में इसका पता चलेगा। पर कोडी रोड्स को जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने पीटा, कोडी रोड्स ने भी शायद ये अपेक्षा नहीं की होगी कि ब्रॉक लेसनर उनको सरप्राइज देकर इतना बुरा पीट सकते हैं। पर बात करें अगर इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की, तो इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में आखिरकार एक नया चैंपियन फैंस को मिल गया। जी हाँ, विमेन्स टैग टीम चैंपियन में सोनिया डबेल और चेल्सी ग्रीन ने आखिरकार विमेन्स चैंपियनशिप को जीत लिया और मतलब फैंस को एक सरप्राइज मिल गया, एक नया चैंपियन मिल गया। अब बात करते हैं अगर फिन बैलर की, तो फिन बैलर ने इस हफ्ते भी सेथ रॉलेंस पर अटैक जारी रखा और सेथ रॉलेंस के खिलाफ एक चैंपियनशिप मैच की डिमांड कर दी है, वो भी समर स्लैम के लिए। फिन ने कहा कि सेथ के साथ उनका अभी जो है वो झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, शायद कोई भी कंटेंडर हो, लेकिन सेथ रॉलेंस के खिलाफ फिन बैलर को जो है वो चैंपियनशिप का मैच मिलना चाहिए। सेथ ने भी इसका मना नहीं किया और दोनों में इस बात को लेकर काफी बहस हो गई। पर बात करें अगर मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट में जो था वो जबरदस्त मैच हुआ। जजमेंट डे का जो मैच था वो केविन ओवेंस और सैमी जेन के खिलाफ, ऐसे तो नॉन टाइटल मैच था पर जजमेंट डे की डिमांड पर ये मैच को एक टाइटल मैच में बदल दिया गया, जिस पर जजमेंट डे का जो पड़ला था वो काफी भारी नजर आ रहा था। एक समय जजमेंट डे इस मैच को जीतने ही वाले थे कि एक मिस अंडरस्टैंडिंग, या तो बोलिएगा कि एक दखलअंदाजी जो हुआ वो था लिव मॉर्गन की वजह से, मतलब ये मैच का जो रिजल्ट था वो सारा पलट गया और केविन ओवेंस और सैमी जेन ने इसका फायदा उठा करके इस मैच में जीत करके अपना टाइटल को डिफेंड कर लिया और जजमेंट डे को एक बुरी हार नसीब हुई। रिया रेपली पर जिस तरीके से लिव मॉर्गन ने अटैक किया, तो इससे जजमेंट डे का जो सारा फोकस था वो मैच से हट करके लिव मॉर्गन पर चल गया, जिसका पूरा फायदा उठाया सैमी जोन और केविन ओवेंस ने और इस मैच को जीत करके अपने टाइटल डिफेंड कर लिया। पर अगर बात करें बैकी लेंच की, तो बैकी लेंच ने जो मीज के शो में ट्रिथ स्टेटस पर जो इस तरीके का अटैक किया, और इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है वो काफी अब इंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि समर स्लैम में इन दोनों के बीच एक मैच को बुक किया गया है और आगे इस मैच में जो इंटरेस्टिंग चीजें होगी वो तो हमें पता चल ही जाएगा। पर अगर बात करें द रिंग जनरल गुंथर की, तो इस हफ्ते गुंथर ने मैट रिडल को बड़े ही आसानी से हरा दिया और ड्रू मैकइंटायर को एक तरीके से खुली चुनौती दे दी है अपने टाइटल मैच के लिए कि ड्रू मैकइंटायर का भी वो वही हाल करेंगे जिस तरीके से उसने मैट रिडल का किया। अब ड्रू मैकइंटायर रिंग जनरल के इस ओपन चैलेंज का जो है वो किस तरीके से जवाब देंगे, इसका फैंस को बेसब्री से इंतजार होगा कि रिंग जनरल ने जिस तरीके से ड्रू मैकइंटायर को धमकी दी और जिस तरीके से रिंग जनरल का जो रिकॉर्ड है अनडिफीटेड वाला, क्या ड्रू मैकइंटायर इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे समर स्लैम में, ये एक फैंस के लिए सवाल होगा। क्या ड्रू मैकइंटायर वो कैंडिडेट बनेंगे जो गुंथर को हराने वाला पहला कैंडिडेट होंगे एज ए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच जो होगा ड्रू मैकइंटायर और गुंथर के बीच,
क्या उस मैच को जीत करके ड्रू मैकइंटायर कोई नया रिकॉर्ड सेट करेंगे या फिर गुंथर अपना अनडिफीटेड स्ट्रीक जारी रखेंगे।